एक सच्ची कहानी है जो अपने भजन के माध्यम से आप सबको सुना रही हूँ। प्यारे भक्तों, एक खान साहब थे जो रोज पनवाड़ी की दुकान पर पान खाने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने उसकी दुकान में एक तस्वीर देखी। एक छोटे से बालक की तस्वीर थी। खान साहब उस तस्वीर को देखकर पनवाड़ी से बोले, ये बालक तो बहुत सुंदर है, इसके सर पर ये मोर पंखी मुकुट कितना सजता है, लेकिन बस एक ही कमी है, ये जिस जमीन पर खड़ा है वो बहुत खुरदरी है और इसके पैरों में जूते भी नहीं है, ये जमीन इसके पैरों में चुभती होगी। ये सुनकर पनवाड़ी ने कहा, तो तुम ही ले आओ इसके लिए जूते और पहना दो। ये बात सुनकर खान साहब दूसरे ही दिन उस बालक के लिए नए जूते बनवा कर ले आए और पनवाड़ी से बोले कि उस बालक को बुला लो, मैं उसके लिए जूते लाया हूँ। तो पनवाड़ी बोला, यह बालक तो यहाँ नहीं रहता, ये वृंदावन में रहता है, वृंदावन में। तो खान साहब बोले, तो चलो उसका वृंदावन का पता ही बता दो। तो पनवाड़ी ने कहा कि वृंदावन पहुंचकर किसी से भी पूछ लेना कि श्याम कहाँ रहता है, कोई भी बता देगा। तो क्या बात थी, खान साहब चल पड़े वृंदावन, हाथों में पादुका लिए श्याम का पता पूछते हैं। देखिए कैसे, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खां, क्योंकि वृंदावन में तो कोई उन्हें श्याम के नाम से जानता नहीं था। और खान साहब को बहुत दिन यूं ही भटकते भटकते हो गए, तो एक भले आदमी ने उन्हें देखा और पूछा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो खान साहब श्याम के रूप का वर्णन करते हैं, देखिए। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, समझ में आया कि वो किसे ढूंढ रहा है। तो फिर उस आदमी ने खान साहब को समझाया, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ।
और उससे पता पाकर वो सीधे बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर जाने लगते हैं, तो वहां खड़ा पुजारी उन्हें वहीं रोक लेता है। कहता है कि तुम अन्य जाति के हो, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। खान साहब उससे बहुत मिन्नतें करते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर की डाल कर बैठा डेरा, कभी तो घर से बाहर शाम I'm not afraid।
ताले देखकर खान साहब दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। वो सोचते हैं तस्वीर में जिस तरह उस खुरदरी जमीन पर बालक खड़ा था, वहाँ फूलों में कांटे भी रहे होंगे, उसके पांव उन कांटों से छलनी हो चुके हैं। और उस बालक से खान साहब रोते रोते कहते हैं, सुनिए। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, न पग में छाले होते न चुभता कोई कांटा। न पग में छाले होते न चुभता कोई कांटा। वो बालक फिर हाथ पकड़कर खान साहब को मंदिर के अंदर ले जाता है और बांके बिहारी की मूरत की तरफ इशारा करके बोलता है, बोलो खान भाई, अगर मैं तुम्हें अंदर आने देता तो क्या तुम मुझे पहचान जाते? क्या तुमने यही मूरत अपने दिल में मेरे लिए बसाई थी? तुम मुझे नहीं पहचान पाते ना, इसीलिए। छवि जैसी तू मेरी बना के दिल में से यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया तेरे लिए ब्रज धाम। यही सत्य है भक्तों, आप गीता रामायण किसी में भी पढ़ लीजिए, हम भगवान को जिस रूप में देखते हैं भगवान हमें उसी रूप में अपने दर्शन देते हैं। जिस प्रकार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अपना चीर बढ़ाने के लिए पुकारा था, भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था परंतु तुमने द्वारिकाधीश को पुकारा तो मुझे द्वारिका जाकर तुम्हारे पास आना पड़ा। मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था, तुम मुझे भाई कहकर पुकारती तो मैं तुम्हारी रक्षा को तत्क्षण आ जाता। शाम की बातें सुनकर कवि तो हुआ दीवाना,